नमस्कार, आप देख रहे हैं वाइस न्यूज। इधर मुरादाबाद पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम। मुख्यमंत्री ने कई करोड़ रुपए की लागत से विकास कार्यों के लिए परियोजनाओं का किया शुभारंभ। मुरादाबाद में सामूहिक विवाह समारोह में भाग लेने पहुंचे थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इधर आप मुरादाबाद में सामूहिक विवाह कार्यक्रम का हुआ आयोजन। 2754 श्रमिक मजदूरों की बेटियों का वैवाहिक कार्यक्रम संपन्न। शहर के बुद्धि विहार में सामूहिक विवाह कार्यक्रम हुआ। बेटियों को आशीर्वाद देने पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सभी धर्मों के रीति रिवाजों के साथ बेटियों की हुई शादी। उत्तर प्रदेश सरकार में हर जोड़े को धनराशि देकर की मदद। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ कैबिनेट मंत्री, विधायक, MLC, महापौर व प्रशासनिक अधिकारी रहे मौजूद। इधर मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का पूरे प्रदेश के साथ साथ जनपद मुरादाबाद में हुआ शुभारंभ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने योजना का ऑनलाइन शुभारंभ करने के साथ विद्यार्थियों से की बातचीत। मुरादाबाद के हिंदू कॉलेज को बनाया गया कोचिंग सेंटर। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विद्यार्थियों को दी जाएगी कोचिंग। कार्यक्रम में मंडलायुक्त वीरेंद्र कुमार सिंह, जिला विद्यालय निरीक्षक प्रदीप कुमार द्विवेदी, हिंदू कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर VV सिंह के साथ विद्यार्थी एवं शिक्षक रहे मौजूद। इधर मुरादाबाद में बसंत महोत्सव कार्यक्रम रेलवे स्टेडियम में हुआ आयोजित। प्रसिद्ध गायिका मैथिली ठाकुर ने दी अपनी प्रस्तुति। भारी संख्या में महानगर वासियों ने पहुंचकर कार्यक्रम को सराहा। पूर्वांचल संस्कृति से मुरादाबाद रूबरू, पहली बार वसंत महोत्सव कार्यक्रम आयोजित। इधर स्मार्ट सिटी द्वारा बनाया जा रहा है नवीन नगर में अशोक पार्क, जो कि सरकार के करोड़ों रुपए की लागत से बनाया जा रहा है, उसमें घटिया सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है। ठेकेदार द्वारा संबंधित अधिकारीगण आदि को भी सूचना दी गई। ठेकेदार द्वारा खराब ईंट का प्रयोग किया जा रहा है और क्षेत्रवासियों को गुमराह किया जा रहा है। सरकार के पैसे का नुकसान किया जा रहा है। इधर मुरादाबाद के दिल्ली रोड पर बड़ा हादसा टला। नाले में गिरा चार पहिया वाहन। देहरादून की ओर जा रहे वाहन ने किया ओवरटेक। स्कूटी सवार को आई गंभीर चोटें। वाहन नाले में जाकर गिरा। मौके पर पहुंची पुलिस ने वाहन चालकों से की बातचीत। चार पहिया वाहनों की गलती की वजह से हुआ हादसा। स्कूटी सवार को चोट लगने के साथ स्कूटी क्षतिग्रस्त। इधर बीती रात बिलारी गांधीनगर पार्क में हिंदू जागरण मंच की टीम ने पुलवामा अटैक में शहीद हुए देश के नौजवानों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी और उनकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन धारण किया, जिसमें हिंदू जागरण मंच के जिला अध्यक्ष सिद्धार्थ शेखर उनकी टीम मौजूद रही। टीम में मोहित चंद्रा, असंख्य सक्सेना, राजकुमार कश्यप, काशी जगवीर प्रजापति, शुभम कंडेरा, मनीष, सचिन बबलू, नितिन त्यागी, जिला अध्यक्ष चंद्र विजय सिंह आदि मौजूद रहे। इधर कल जनपद मुरादाबाद की बिलारी तहसील में खंडवा गांव में एक जन चौपाल का हुआ आयोजन। जहरवीर मंदिर पर किया गया, जिसमें खंडवा के ग्रामवासियों ने जन चौपाल में भाग लिया। भारतीय समाज पार्टी की ओर से ये जन चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे।